Hello kids, today we are going to learn the lesson Year to Year from class 4th NCERT EVS. See here, who has got my ears? Are these animals looking funny? The artist has drawn wrong ears on the heads of the animals. Give correct ears to the animals in the space given below. See here. Elephant, ear which type? Mouse. है ना? आप देखिए, elephant के ear कैसे हैं? Mouse की तरह हैं. Rabbit के ear किसके लगाए हुए हैं? Giraffe के. Mouse के ear dog के हैं. Giraffe के ear elephant के हैं. Dog के ear rabbit के हैं. Buffalo के ear deer के हैं. And deer के ear buffalo की तरह हैं. तो ये आपको करेक्ट जो है आपको इसको लिखना है. नाउ सी हियर कैसे होते हैं डियर के ईयर्स. देखिए पिक्चर में जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से इसके ईयर्स जो है विजिबल होते हैं. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी ईयर्स हम देख नहीं पाते एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी ईयर्स हम देख पाते. देखिए सी हियर फ्रॉग. दिस इज अ फ्रॉग. वी कैन नॉट सी The ears of frog. हम इसके ears नहीं देख पाते. Tiger. Tiger के ears हम देख पाते हैं ना? Yes, you are right. We can see ears of tiger. Now buffalo. Buffalo के भी ears हम देख पाते हैं क्योंकि वो काफी big size में होते हैं. Fish. Fish के ears हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटे size में होते हैं. Different animals have different kinds of ears. There are some animals whose ears you can see and some animals whose ears you cannot see. Can you make a separate list of animals from the table? Whose ears you can see and whose ears you cannot see? Deer, tiger, frog, buffalo, pig, fish, ant, crow, pig, giraffe, sparrow, elephant, snake, lizard, duck, cat. तो यहाँ पे एनिमल्स की लिस्ट दी गई है और आपको इनको सॉर्ट आउट करना है टू कॉलम में. एक कॉलम में एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी एंड सेकंड कॉलम में एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैनॉट सी. सो सी हियर एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी आर डियर टाइगर बफेलो पिग जिराफ एलिफेंट कैट एंड एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैनॉट सी आर फ्रॉग फिश एंड क्रो स्पैरो स्नेक लिजर्ड डक. सो कंप्लीट दिस वर्क इन ईवीएस कॉपी एंड आल्सो इन ईवीएस बुक. नाउ लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर. नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर. कैन यू सी देयर ईयर्स? दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैनॉट सी देम. अब इस पिक्चर्स में जो एनिमल्स या बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके नेम आपको लिखने हैं. यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर. इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स एंड इन सम यू कैनॉट. वी कैनॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स. अ बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स. दे हेल्प द बर्ड टू हियर. तो देखिए बर्ड के भी ईयर्स होते हैं. ये ईयर होल टाइप होते हैं. देखिए आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है तो इनके ईयर्स हम देख नहीं पाते. वी कैनॉट सी द ईयर्स ऑफ बर्ड्स. लिजर्ड्स ईयर्स. देखिए लिजर्ड के भी ईयर्स होते हैं बट वी कैनॉट सी लिजर्ड ईयर्स. क्रोकोडाइल के भी ईयर्स होते हैं बट वी कैनॉट सी क्रोकोडाइल्स ईयर्स. तो ये ईयर्स इनके बोथ साइड्स होते हैं. व्हाट वी हैव लर्न टू लर्न सो फार. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. सम एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी आर डियर टाइगर बफेलो कैट एटसेट्रा. सम एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी आर फ्रॉग फिश लिजर्ड बर्ड्स एटसेट्रा. नाउ थिंक एंड टेल. कैन यू सी योर ईयर्स और नॉट? सो थिंक अबाउट इट. ओके Now here are some question answer. We have completed these two question answers in your copy already.
दिस इज एन एग्जांपल अगेन एंड अगेन रीड एंड अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स. क्या आप ऐसा सोचते हो कि जिन एनिमल्स के हम ईयर्स देख नहीं पाते, इट मींस उनके ईयर्स नहीं होते हैं? तो आंसर है नो, एक्चुअली दे हैव ईयर्स बट दे आर हिडन. उनके ईयर्स होते हैं बट वो ईयर्स उनके छुपे हुए होते हैं, हिडन होते हैं. लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर. नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर. व्हिच आर देम? हेन, स्पैरो, डक, पैरेट, क्रो, फ्रॉग. तो पिक्चर में जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू सी देयर ईयर्स? क्या आप उनके ईयर्स देख पा रहे हो? आंसर इज नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स, क्योंकि इनके ईयर्स जो हैं वो हिडन है, इस वजह से हम लोग इनके ईयर्स नहीं देख पा रहे हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ईयर्स नहीं होते हैं, उनके ईयर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स व्हिच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स. लाइक स्वैन, फिश, फ्लाई, मॉस्किटो, क्रोकोडाइल्स. इनके ईयर्स हम नहीं देख पाते हैं. रीड एंड राइट. एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैंस. आंसर इज एलिफेंट. किस एनिमल के ईयर फैन की तरह होते हैं? एलिफेंट के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स. किस एनिमल के ईयर्स लीव्स की तरह होते हैं? आंसर इज रैबिट. एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड. ऐसे एनिमल का नाम बताओ जिसके ईयर्स एकदम टॉप पे होते हैं उसके हेड के. आंसर है रैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. ऐसे एनिमल के नाम एनिमल का नाम बताओ जिसके ईयर्स उसके दोनों साइड पे होते हैं. आंसर है डॉग. नाउ हुज स्किन. नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स. लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन. मैच द एनिमल्स शो हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन. मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल. अब तक हम एनिमल्स को उनके ईयर्स से रिकॉग्नाइज कर रहे थे, पर हम अब हम किससे रिकॉग्नाइज करेंगे? स्किन से. उनका जो स्किन का पैटर्न है उससे हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे. तो आपको क्या करना है? करेक्ट पैटर्न से उसको मैच करना है. तो यहाँ पे आपको पैचेस में दिखाई दे रहा होगा सर्कल में उनके स्किन पैटर्न और एनिमल्स की शेप आपको अलग से दिखाई दे रही होगी. तो इनको आपको इन एनिमल्स के सही स्किन से मैच करना है. तो ये आपके बुक में है पेज नंबर 14 पे. तो आप उसमें ये मैच कीजिए. सही आंसर जो है उससे आप मैचिंग कीजिए. ओके, कंप्लीट दिस वर्क इन योर ईवीएस बुक. नाउ सी, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो. फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हेन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पीकॉक, बफेलो, लिजर्ड, पिजन, पिग, डक, काउ. तो ये एनिमल्स तो आपने देखे ही होंगे. पुट द नेम ऑफ द एनिमल इन द टेबल. तो कॉलम्स के नेम है. ईयर्स कैन बी सीन. व्हिच आर देम एनिमल्स? एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काउ. हैज हेयर ऑन स्किन? एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काउ. ईयर्स कैन नॉट बी सीन? स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पीकॉक, डक, हेन, लिजर्ड. हैज फेदर्स ऑन स्किन? स्पैरो, पिजन, क्रो, पीकॉक, डक, हेन. तो आपको इस तरह से ये टेबल कंप्लीट करना है. जिनके ईयर्स दिखाई देते हैं, जिनके ईयर्स नहीं दिखाई देते हैं, जिनकी स्किन पे हेयर होते हैं, जिनके स्किन पे फेदर्स होते हैं. तो अलग अलग ये डिफरेंट एनिमल्स आपको लिखने हैं. इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड बफेलो? काउ और बफेलो को आप कौन सी लिस्ट में डालना चाहोगे? आंसर इज एनिमल्स विद हेयर ऑन देयर बॉडी एंड हूज ईयर्स कैन बी सीन. उनके बॉडी पे हेयर होते हैं और उनके ईयर्स हम देख सकते हैं. From a distance, can you see the hair on their skin? Answer is their hair cannot be seen from a distance. उनके hair हमें थोड़ी दूरी पे हमें दिखाई नहीं देते हैं.
पास में जाओ तो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी हियर, आंसर इज आफ्टर गोइंग नियर देम हियर ऑन देयर बॉडी कैन बी सीन, पास में जाने के बाद हमें उनके बॉडी के हेयर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू टेल व्हिच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द अबव लिस्ट ले एग्स, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द बॉक्स। तो जो एनिमल्स एग्स लेकर एग्स देते हैं उनके नेम्स आपको ग्रीन बॉक्स में लिखना है। अब इसमें क्या है, एनिमल्स इन द लिस्ट दैट गिव बर्थ टू बेबीज, उनके नाम आपको कहाँ लिखने हैं, रेड बॉक्स में। तो एनिमल्स कौन से होते हैं, डियर, बफेलो, पिग, एलिफेंट, कैट, जिराफ, दे गिव बर्थ टू बेबीज। तो ये नेम्स आपको रेड बॉक्स में लिखने हैं। नाउ द एनिमल्स इन द लिस्ट दैट ले एग्स, वो हमें ग्रीन बॉक्स में लिखने हैं। कौन से वो एनिमल्स, फ्रॉग, फिश, एंट, क्रो, स्नेक, लिजर्ड, डग, स्पैरो, दीज एनिमल्स दैट ले एग्स। Now next question. Now look again at the table on the previous page 6. Draw a line under the names of animals whose names are in the green box. Put a circle around the names of those animals whose names are in the red box. तो जो red box में थे उनको circle करना है और जो names green box में थे उनके नीचे underline करनी है. Okay? So complete this work. तो आपको find out करने हैं वो animals. और जो रेड बॉक्स में थे उनको सर्कल करना है और जो ग्रीन बॉक्स में थे उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। सो व्हाट डिड यू नोट, आंसर इज दोस एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीस एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, दोस एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीस एनिमल्स ले एग्स। तो आपने इसमें से क्या सीखा, ये आप यहां पे लिखना है। जिनके हेयर्स हम देख पाते हैं उनके बॉडी पे हेयर होते हैं और वो किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को। और जिनके हेयर्स हम देख नहीं पाते हैं उनके बॉडी पे हेयर नहीं होते और वो एनिमल्स ले एग्स करते हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल व्हिच हैव गॉट स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। जो छोटे बेबी स्कूल बर्थ देते हैं उनके नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। आंसर इज डॉग, पिग, कैट, रैट एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड अ पेट एनिमल, डज एनीवन अराउंड हैव अ पेट, आंसर इज आई हैव अ पेट डॉग एंड अ पेट पैरट। तो आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी आपका पेट एनिमल है उसका नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट अबाउट पेट एनिमल, अपने पेट एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। What animal is it? Answer is these are a dog and a parrot. Does it have a pet name? Yes. We call dog Tommy and parrot Mittho. Next question, who gave it this name? We gave them these names. What does it like to eat? वो क्या खाना पसंद करते हैं? Dog eats meat, rice, bread, etc. And parrot eats chili, gram, etc. How many times a day is it given food? Answer is usually thrice a day. When does it sleep? For how long does it sleep? Answer is dog usually sleep in the day for about 5 to 6 hours and parrot usually sleeps in the night for about 8 to 10 hours. तो ये example answers हैं, आप अपने हिसाब से भी इनको लिख सकते हो। Is there any special way to look after this animal? How? Answer is we clean and bath them regularly. Does it get angry when? How do you know it is angry? Answer is they get angry when they see unknown person. They get angry. When they get angry, they usually shout loudly. Does it have hair on its skin or feathers? Answer is dog has hair on its body and parrot has feathers but no hair on its body. Can you see its ears? Answer is I can see the dog's ears but parrot's ears cannot be seen. Is it a baby or a young animal or a big one? Answer is these are young animals. तो ये answers आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ये सिर्फ example answers हैं। Will this animal lay eggs or give birth to babies? Answer is a dog gives birth to babies while a parrot lays eggs. Does it have young ones?
Answer is no. Draw a picture of this animal and color it. Give it a name of your own. तो जो भी आपके pet animal है उनके picture आपको यहाँ पे draw करने हैं, उनका नाम भी देना है और उस pictures को color भी करना है. The name of my pet dog is Tommy and the name of my pet parrot is Mittu. तो आप अपने pet animal के बारे में भी यहाँ लिख सकते हो. Okay? You can do it yourself also. Now look at this picture. Color the parts which have seen numbers 2, 4, 6, 8. What do you do? See? Find out the name of the animal. तो जो यहाँ पे numbering दी गई है उसको उसी हिसाब से आपको कनेक्ट करना है और देखना है कि ये क्या बनता है. तो आंसर है इट इज अ डायनासोर पिक्चर. है ना, ये क्या है, डायनासोर का पिक्चर बन गया है. उसको आप कलर कीजिए. Have you seen any animal that looks little like a dinosaur? Do you know its name? Answer is yes, I have seen an animal that looks little like a dinosaur. Its name is lizard. तो lizard थोड़ी बहुत किसके जैसे दिए dinosaur की तरह. तो ये एक example answer है. आप अपने हिसाब से आप जो imagine करते हो वो आप लिख सकते हो. Okay? Now next, look at this animal, write its name. Do you know that this is our national animal? So who is our national animal? Yes, your answer is right. Its name is tiger. Yes, I know this is our national animal. Tiger is our national animal. Where do they live? कहाँ रहते हैं वो? They live in the wild forests or grasslands, etc. The numbers of this animal are going down in India. Discuss why this could be happening. तो आजकल इंडिया में टाइगर्स जो है बहुत कम दिखाई देते हैं, तो क्यों ऐसे हो रहा है? तो यहाँ पे एक आंसर दिया हुआ है, देखिए. The number of tigers is going down in India because of several causes. Some of the causes are given here. तो यहाँ पे कुछ causes दिए हैं, क्या reason है इसके पीछे यहाँ पे दिए हुए हैं. First one, people hunt them for their bones and skin. लोग उनकी hunting करते हैं किस लिए? उनके bones के लिए और skin के लिए. Next is deforestation. Because of deforestation, forests are disappearing, which reduces their natural habitat. Deforestation क्या मतलब क्या होता है? आजकल लोग जो हैं जंगल को या trees को cut करते हैं, जिसकी वजह से trees कम हो रहे हैं और forest जो है disappearing हो रहे हैं. इस वजह से natural habitat reduce हो रहा है और इसलिए tigers की पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है. तो टाइगर्स को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो उनके हंटिंग नहीं करनी चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए और जो जंगल जो फॉरेस्ट है वो डिसअपीयर हो रहे हैं. किस वजह से? ट्रीज कट करने की वजह से. तो उस पर भी हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए. हमें ट्रीज का ध्यान रखना है. डोंट कट द ट्रीज और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हमें करना है, जिसकी वजह से टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल रहे. नाउ क्विक रिकैप ऑफ दिस लेसन. इन सम एनिमल्स वी कैन सी द ईयर्स, व्हाइल इन अदर द ईयर्स आर हिडन और नॉट विजिबल इजीली. बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड व्हिच हेल्प देम हियर. दीज होल्स आर जनरली कवर्ड विद फेदर्स. द टाइनी होल्स ऑन अ लिजर्ड्स हेड आर its ears. Different animals have different types of skin. The different patterns of an animal are due to the hair on the skin. Some animals lay eggs while some animals give birth to young ones. Animals whose ears are visible and bodies are covered with hair give birth to young ones. Animals whose ears are not visible and whose bodies are not covered with hair lay eggs. Dinosaurs existed on the earth many many years ago. We can recognize animals by their ears and skin. I hope you understand this lesson. Okay students, bye bye, take care. Thanks for watching.